भारत और अमेरिका, एक दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र तो एक सबसे बड़ा, दोनों आतंकी मार झेल चुके हैं। यूं तो 9/11 और 26/11 ये दो तारीखें दोनों देशों के ऊपर हुए सबसे बड़े आतंकी हमले की गवाह बनी, लेकिन दिसंबर 2001 में भारत की संसद पर हुआ आतंकी हमला और जनवरी 2021 में कैपिटल हिल यानी अमेरिकी संसद में नागरिकों की घुसपैठ, इन दोनों घटनाओं ने दोनों देशों को इससे भी बड़ा नासूर दिया। चूंकि दोनों देशों की पहचान इनके लोकतंत्र से होती है, इसीलिए लोकतंत्र के मंदिरों पर हमला प्रतीकात्मक रूप से और भी ज़्यादा गंभीर घटना थी। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हुए हमलों के बाद अमेरिका ने वॉर ऑन टेरर का बैनर उठाया और अफगानिस्तान पर हमला करने पहुंच गया। जबकि इसके दो महीने बाद भारत की संसद पर हमला हुआ तो भारत ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की। अमेरिका जो खुद पर हुए हमलों के लिए युद्ध की घोषणा कर चुका था, भारत को युद्ध ना करने के लिए चेता रहा था, यूं भी कह सकते हैं कि मना रहा था। इसमें अमेरिका अपना फ़ायदा और अपनी चिंताएं देख रहा था, लेकिन भारत ने क्यों कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, ये बड़ा सवाल है। क्या भारत की सरकार कमज़ोर थी, भारत की सेना कमज़ोर थी? इन दोनों सवालों का जवाब हमारे यहाँ नहीं भी देने का रिवाज है। फिर क्या हुआ, क्यों हुआ, क्या प्लानिंग हुई और उसका एग्जीक्यूशन क्या हुआ या नहीं हुआ, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं तारीख, जिसमें हम सुनाते हैं उस तारीख से जुड़ी भारत की ऐतिहासिक कहानियाँ। आज 13 दिसंबर है और आज की तारीख का संबंध है भारत की संसद पर हुए आतंकी हमले से। शुरुआत अक्टूबर 2001 से, 9/11 अटैक के बाद अमेरिका वॉर ऑन टेरर की तैयारी कर रहा था। राष्ट्रपति बुश दुनिया को धमकी दे रहे थे कि जो हमारे साथ नहीं वो हमारे खिलाफ माना जाएगा। इस मुद्दे पर अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस डोनाल्ड रम्सफील्ड ने भारत को भरोसा दिलाया कि कश्मीर में आतंकी घुसपैठ पर भी अमेरिका की नज़र रहेगी, लेकिन नज़र ही रही, उन्होंने किया कुछ नहीं। अक्टूबर महीने के पहले ही दिन पाकिस्तान ने अपनी करतूत दिखा दी। चिनार के पत्तों के पीले होने का मौसम था, वादी में सर्द हवाएं बह रही थी, जब वजाहत हुसैन नाम का एक फिदायीन बम से लैस एक टाटा सुमो लेकर श्रीनगर विधानसभा परिसर में घुस गया। कार को बम से उड़ाने के बाद कुछ और आतंकी परिसर में घुसे और गोली चलाना शुरू कर दिया। इस हमले में कुल 38 लोगों की जान गई। जैश ए मोहम्मद ने इस आतंकी हमले की जिम्मेदारी ली, जिसका सरगना मौलाना मसूद अजहर पाकिस्तान में खुला घूम रहा था। किसी रॉकेट साइंस की ज़रूरत नहीं थी ये समझने के लिए कि ये सब ISI की छत्र छाया में हो रहा था। कश्मीर में तब आतंकियों के दो गुट सक्रिय थे, प्रमुख रूप से जैश और हिजबुल मुजाहिदीन। ताहिर नदीम, जिसे गाजी बाबा के नाम से जाना जाता था, कश्मीर में आतंकी ऑपरेशन के लिए जैश का कमांडर था, वो सीधे मसूद अजहर को रिपोर्ट करता था। वहीं हिजबुल का कमांडर अब्दुल मजीद दार था, जिस पर गाजी बाबा को शक था कि वो डबल एजेंट है। इसके चलते दोनों गुटों में तनातनी बढ़ती जा रही थी। रिश्तों में पड़ रही सिलवटों पर इस्त्री करने को ISI ने मेजर इफ्तिकार को डिस्पैच किया। इफ्तिकार ने गाजी बाबा से मुलाकात की और उसे कश्मीर में अपने ऑपरेशंस पर लगाम लगाने को कहा, क्योंकि जैश के हमलों का पैटर्न अलकायदा की तरह था। वो फिदायीन हमले कर रहे थे जिनका निशाना आम नागरिक बनते जा रहे थे। ISI को डर था कि इससे कश्मीर मुद्दे पर मिलने वाला बाकी दुनिया का समर्थन कम हो जाएगा, वो भी तब जब अमेरिका अलकायदा के पीछे पड़ा हुआ था और मुशर्रफ पर लगातार दबाव पड़ रहा था कि वो अलकायदा के सफाए के लिए अमेरिका का साथ दें। इफ्तिकार की चेतावनी के बावजूद गाजी बाबा कश्मीर पर हमला करने के फिराक में था, यहाँ तक कि वो भारत में डीप टारगेट्स पर फिदायीन हमले करवाने की योजना भी बना रहा था। इसी का नतीजा था पहले श्रीनगर विधानसभा पर हमला और बाद में भारत की संसद पर हुआ हमला, जो आज ही के दिन यानी 13 दिसंबर 2001 को अंजाम दिया गया था। दिसंबर की उस सर्द सुबह संसद में महिला आरक्षण बिल पर बहस हो रही थी। शुक्रवार का दिन था, संसद भवन के बाहर लॉन में पत्रकार धूप सेक रहे थे। चूंकि बिजली की समस्या आ गई थी, इसलिए सदन की कार्यवाही वक्त से पहले समाप्त हुई, तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी समेत कई बड़े नेता अपने अपने निवास की ओर लौट गए। गृहमंत्री लालकृष्ण आडवाणी सहित करीब 200 सांसद अभी भी सदन के भीतर थे कि संसद परिसर में गोलियों की आवाज़ गूंजने लगी। एक सफ़ेद एम्बेसडर कार में बैठकर पांच आतंकी संसद भवन के गेट तक पहुंचे। आतंकवादी हड़बड़ी में थे, किस्मत से उनकी गाड़ी उपराष्ट्रपति कृष्णकांत की गाड़ी से टकरा गई और उन्हें पैदल चलना पड़ा। ये लोग सीधे फ़ोन से पाकिस्तान से मदद ले रहे थे। सांसद कब सदन से निकले, आतंकियों को फ़ोन से इसकी ठीक ठीक सूचना नहीं मिल पाई। सुरक्षा बलों की कार्रवाई और थोड़ी किस्मत से आतंकी हमला टल गया, आतंकवादियों को मार गिराया गया। 3 दिन के अंदर सारी तहकीकात हुई और पता चल गया कि आतंकी लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ट्रेन किए हुए थे और ISI इस आतंकवादी गुट को
इसके ऑपरेशन को स्पॉन्सर कर रही थी। अक्टूबर में श्रीनगर में कार बम धमाके के बाद से ही भारत ने अमेरिका को चेतावनी दे दी थी कि अगर वो पाकिस्तान पर प्रेशर नहीं डालता है तो भारत जवाबी कार्रवाई के लिए मजबूर होगा। संसद पर हमला हुआ तो ये मजबूरी और बड़ी हो गई। संसद भवन पर आतंकी हमले के कुछ घंटों बाद ही नई दिल्ली स्थित आर्मी ऑपरेशन रूम में एक बैठक हुई। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष NSA ब्रजेश मिश्र और रक्षा मंत्री जॉर्ज फर्नांडिस मीटिंग में मौजूद थे। मुद्दा तब सिर्फ एक था, भारत में लोकतंत्र के मंदिर पर हमला हुआ था और जवाब देना जरूरी था। सबसे पहले LOC पार पाकिस्तान के आतंकी शिविरों को निशाना बनाए जाने की बात हुई। तब इसे सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई नाम तो नहीं दिया गया था, लेकिन आशय लगभग यही था। ग्वालियर बेस पर मौजूद मिराज 2000 फाइटर जेट इसके लिए तैयार करने तक की बात हुई, लेकिन अंतिम क्षणों में इंटेलिजेंस की एक रिपोर्ट ने प्लान की मुश्किलें बढ़ा दी। पाकिस्तान को अंदाजा था कि भारत कुछ ना कुछ तो जरूर करेगा, इसलिए पाकिस्तानी आर्मी ने POK स्थित आतंकी शिविरों को स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के नज़दीक शिफ्ट कर दिया था। ये तरकीब काम भी कर गई। भारत अमेरिका नहीं था, आम नागरिकों पर खतरे की बात उठी तो सर्जिकल स्ट्राइक्स या उस तरह के सर्जिकल ऑपरेशंस का प्लान रद्द किया गया। इसके बाद एक नए प्लान की नींव पड़ी जिसका नाम था ऑपरेशन पराक्रम, जिसके तहत भारत की सेना को बॉर्डर पर तैनात होना था और युद्ध की घोषणा का इंतजार करना था। 13 दिसंबर से ही ऑपरेशन पराक्रम की शुरुआत हो चुकी थी। ऑर्डर्स मिलते ही होल्डिंग फोर्स यानी डिफेंसिव फॉर्मेशंस 76 घंटों में युद्ध के लिए तैयार हो जाती, लेकिन 3 स्ट्राइक कोर्स पहली, दूसरी और 21वीं कोर को मोबिलाइज करने में पूरे 3 हफ्ते का समय लग गया। मोबिलाइज मतलब अपना पूरा अगड़म बगड़म लेकर के जहां जाना है वहां पहुंचने में। ये सब बॉर्डर से दूर थी और जब तक ऑफेंसिव ऑपरेशन की शुरुआत होती जनवरी आ चुका था। भारत पर इंटरनेशनल प्रेशर पड़ रहा था, बढ़ भी रहा था, और इस प्रेशर में अमेरिका की खास दिलचस्पी थी। कारण कि अमेरिका तब अफगानिस्तान में घुस चुका था और अलकायदा के सफाई के लिए उसे पाकिस्तान की मदद की बहुत दरकार थी। अलकायदा के कमांडर तोरा बोरा की पहाड़ियों से पाकिस्तान के कबीलाई इलाकों में शरण लेने के लिए भाग रहे थे। ऐसे में मुशर्रफ ने अफगान बॉर्डर पर 11वीं और 12वीं कोर रख दी पाकिस्तान आर्मी की, ताकि अलकायदा के कमांडर पाकिस्तान में शरण न ले सके। बाद में क्या हुआ, कैसे ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान ने शरण दी, कितने दिन वो वहाँ मेहमान बन के रहा, सबको पता है। लेकिन तब कम से कम दिखावे के लिए ही 2 कोर्स पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को फेस करते हुए रखी थी। ऑपरेशन पराक्रम के तहत भारत की सेना बॉर्डर की तरफ बढ़ी तो पाकिस्तान ने भी बॉर्डर का रुख किया। अफगान सीमा से 11वीं और 12वीं कोर पाकिस्तानी आर्मी की LOC की तरफ मूव कर दी गई। अमेरिका के लिए ये सब मुसीबत का सबब बन गया। अगर इस दौरान भारत और पाकिस्तान का युद्ध शुरू हो जाता तो अफगानिस्तान में उसके लिए मुश्किलें और बड़ी हो जाती। बुश ने अपने दोस्त से पैसा ला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पॉवेल और डिप्टी सेक्रेटरी रिचर्ड आर्मिटेज को भारत भेजा ताकि किसी तरह भारत पाक युद्ध को टाला जा सके। नेटो की सेनाएं भी अफगानिस्तान में मौजूद थी तब, इसलिए आने वाले महीनों में ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर टोनी ब्लेयर से लेकर जर्मनी और जापान के राष्ट्राध्यक्षों ने भारत का दौरा किया। डिप्टी सेक्रेटरी रिचर्ड आर्मिटेज ने पाकिस्तान का दौरा कर मुशर्रफ से ये वादा लिया तब कि वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को रोकेंगे और भारत में आकर मुशर्रफ के बयान की दुहाई देते हुए भारत को किसी तरह से रोके रखा गया एक कन्वेंशनल फेस ऑफ से। एक दूसरा मसला था न्यूक्लियर हथियारों का। ये 1971 जैसे हालात नहीं थे। 3 साल पहले ही 1998 में दोनों देशों ने न्यूक्लियर परीक्षण किया था, एक पोखरण में एक चागई में। इसीलिए पूरी दुनिया की निगाह भारत पर थी और विक्टिम होने के बावजूद भारत पर प्रेशर था कि वो युद्ध की शुरुआत न करे। इन सब कारणों के चलते भारत सरकार की मंशा युद्ध से कोर्स सिर्फ डिप्लोमेसी में बदलती चली गई। आम युद्ध के लिए तैयार थी लेकिन वैश्विक प्रेशर और न्यूक्लियर रिस्क को देखते हुए नई असलियत आकार ले चुकी थी। सरकार अब चाहती थी कि अमेरिका के प्रेशर से पाकिस्तान पर प्रेशर बनाया जाए, क्योंकि युद्ध शुरू हो जाने की स्थिति में चीज़ें कंट्रोल से बाहर चली जाती। 12 जनवरी 2002 को मुशर्रफ TV पर पेश हुए और उन्होंने अपने बयान में कहा कि पाकिस्तान अपनी धरती से आतंकी गतिविधियां नहीं होने देगा। इस घोषणा के बाद युद्ध टल गया। अगले 8 महीनों तक सेना बॉर्डर पर रही, लेकिन शुरुआती इनिशिएटिव न लेने के कारण हालात बदलते गए और अक्टूबर 2002 में कश्मीर में शांतिपूर्ण चुनावों के बाद अपेक्षाकृत बॉर्डर से सेना को हटा लिया गया। चलते चलते आपको एक और किस्सा सुनाते चलते हैं। जब श्रीनगर विधानसभा पर आतंकी हमले के बाद रॉ ने पाकिस्तान को झांसे में डाला था, हुआ यह कि हमले के बाद भारत ने अमेरिका से पाकिस्तान पर दबाव डालने को कहा। मसला सुलझाने के लिए US सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कॉलिन पॉवेल ने तब पाकिस्तान और भारत का दौरा किया। पाकिस्तानी दौरे से ठीक पहले CIA ने इस्लामाबाद को एक अलर्ट जारी किया जिसके अनुसार पाकिस्तान में कॉलिन पॉवेल की हत्या की कोशिश होने वाली थी। ISI ने इन्वेस्टिगेशन का वादा किया, लेकिन तब CIA ने 2 टूक शब्दों में कहा कि वो इस साजिश के मास्टरमाइंड इलियास कश्मीरी को गिरफ्तार कर लें, उन्हें करना ही पड़ेगा।
इलियास कश्मीरी 313 बटालियन अलकायदा से जुड़े एक गुट का सरगना था। मसूद अजहर से तनातनी के चलते उसने जैश मोहम्मद का साथ छोड़ दिया था और अपना एक अलग गुट बनाया था। तब वो ISI का एक ताकतवर मोहरा हुआ करता था। CIA के प्रेशर के चलते इलियास कश्मीरी को गिरफ्तार कर लिया गया। अगली सुबह जब कॉलिन पॉवेल इस्लामाबाद लैंड करते हैं तो पाकिस्तानी सेना के जनरल को बॉर्डर पर शेलिंग की खबर मिलती है। ISI को लगा यह अच्छा मौका है अमेरिका को सबूत देने का कि भारत बिना उकसाए उन पर हमला कर रहा है। लेकिन उन्हें बड़ा शौक लगा जब उन्हें पता चला कि पॉवेल को इलियास कश्मीरी की टिप भारत से ही मिली थी, जहां पॉवेल दौरा करने पहले पहुंच गए थे। इस घटना के बाद इलियास ISI का दुश्मन हो गया और 2003 में उसने मुशर्रफ की हत्या का प्रयास भी किया। तारिक के आज के एपिसोड में बस इतना ही। इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी कमल ने और कैमरे पर इसे रिकॉर्ड किया था हमारे दोस्त सचिन ने। देखते रहिए तिलक एंड टॉम।